टीकाकरण की कवरेज में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में त्योहारों व उत्सवों का दौर शुरू हो गया है, सभी लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। यह अपार हर्ष का विषय है कि भारत ने आज कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों, केंद्र व राज्य सरकारों हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। इस विशाल आंकड़े को छूने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और प्रभावशाली नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खबर पंचकुला से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को जन्मदिवस की अग्रिम बधाई देते हुए केक काटा गया। बता दें कि 23 अक्टूबर को ओम प्रकाश धनखड़ का जन्मदिन होता है, जिसकी अग्रिम बधाई देते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और भाजपा पंचकुला के कार्यकर्ताओं ने केक कटवाया। खबर फिरोजपुर से है, जहां लखीमपुर के शहीद किसानों की अस्थियां सतलुज में प्रवाहित की गईं। आपको बता दें कि उनकी अस्थियां लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह फिरोजपुर के शहीदी स्थल हुसैनीवाला पहुंचे, जहां पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के समाधि स्थल पर श्रद्धा के फूल अर्पित किए। वहीं सतलुज में शहीद किसानों की अस्थियाँ प्रवाहित की गई। भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के किसान और महिलाएँ इस अवसर पर पहुँचे। कलश यात्रा निकालकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। सो असी इस गल नू सारी नू, क्योंकि शहीदां दी धरती आ इह, पहलां तों लैके इत्थे साडे जिहड़े तिन शहीद आ, पहलां शहीद राजगुरू सुखदेव ते भगत सिंह, उहनां दे साथियां दीआं इत्थे समाधियां बणियां होईआं। लगातार जो भी कौमी शहीद ने साडे कौम खातर लड़दे, उहनां शहीदां दीआं अस्थियां इत्थे पैंदीआं। हुण भी जिहड़ा लोक पक्षी घोल चल रिहा दिल्ली बॉर्डरां ते, ते लखमीरपुर खीरी दे विच जो घटना वापरी है, खास करके सीधा जिहड़ा गृह राज मंत्री है उहदे साजिश दे तहत उहदे लड़के ने जिहड़ी कारतूत की आ साडे किसानां नूं, इक पत्रकार आ जिहदे विच उहनां ने दरड़िया उहदा कतल कीता, उहनूं शहीद कीता है, उहदीआं अस्थियां लै के इत्थे पहुंचिआ है। ते आउण वाले दिनां दे विच इहनां नूं इंसाफ दिवाउण खातर भी ते घोल दीआं मंगां पूरीआं करवाउण खातर साडा घोल जारी रहेगा। अज अस्थियां इत्थे प्रवाहित की कीतीआं जाणगीआं, बिल्कुल इत्थे दरिया दे विच। इत्थे जिहड़ा लखमीरपुर खीरी दे साडे 5 शहीद होए आ, इक पत्रकार आ उहनां 'चों, उहनां दीआं अस्थियां असीं इत्थे करनीआं अड्ड अड्ड, क्योंकि सारे मुल्क दे विच ही इह किसान संयुक्त मोर्चे वल्लों सद्दा दित्ता होइआ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ 18 ਤੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਦੀ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਚਿਆ ਹੋਊ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਨ ਹੈ,
यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर पंचकुला से है, जहां आयोजित सुपर 100 कार्यक्रम के तहत सिविल सेवा परीक्षा 2020 और जेईई एडवांस परीक्षा 2021 के उत्तीर्ण छात्रों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सम्मिलित हुए और छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने घोषणा कर कहा कि हरियाणा में गरीब परिवार का कोई भी प्रतिभावान छात्र अपने सपनों को पूरा करने से वंचित न रहे, और जिन परिवारों की आय 180,000 से कम है ऐसे परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, जिसके बाद उन्होंने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए घोषणाएं की। इस प्रदेश की जिम्मेवारी जब हमने संभाली थी 2014 में तो विचार किया था कि प्रदेश की कोई एक दिशा की प्रगति नहीं, सर्वांगीण प्रगति, सर्वांगीण उन्नति, हर क्षेत्र की उन्नति ये चाहिए, चाहे वो रोजगार है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो भौगोलिक विकास है, चाहे हरियाणा का नाम, हरियाणा का गौरव ऊंचा करने के लिए देश और दुनिया में अपना नाम कमाने की बात है, ये सब बातें हमने करनी है। तो काम के नाते से काम बहुत है, लेकिन उसको करने के लिए हमको जब आप जैसे साथी और सहयोगी मिल जाएंगे तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। 60 के लगभग हमारे ये प्रशासनिक सेवा के अंदर चुन करके आए हुए बंधु, और इसी प्रकार से 29 जो हमारी जो सुपर 100 कार्यक्रम, इसमें जेई की परीक्षा पास करके आने वाले बंधु, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरी माता एक गृहिणी है, और 10th के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जब मुझे सुपर 100 टेस्ट के बारे में पता चला। इससे पहले मुझे IIT के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये कहूँ कि मुझे, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था, और आज मैं वहाँ जा रही हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका श्रेय हरियाणा सरकार और नवीन सबको जाता है। खबर भोपाल से है, जहां COVID-19 में जनता को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था उसका दोबारा सामना न करना पड़े इसके लिए सहायता समूह की महिलाओं ने कंचन इज हैम्पर का